मेरी बैटरी भी चार्जिंग पे लगी हुई है तो ये शो कर रहा है चार्जिंग एसी चार्जर, ठीक है गुड। लिखा रहा है कौन सी कंपनी का है, सब चीज़ें शो कर रही हैं, कितना वोल्ट दे रहा है मेरा माइक्रो जो मेरा चार्जर है फ़ोन का। इसको हम चार्जिंग को हटा देंगे, चार्जिंग को हटा देने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, डिस्चार्जिंग स्टेटस आ गया है, ऑन बैटरी हो गया, प्लग लेवल इतना हो गया, हेल्थ गुड। ये बैटरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बैटरी किस प्रकार से काम करेगी, बैटरी में कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ इसमें शो कर जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे 94% है ये बैटरी परसेंटेज, आप कितना आप यूज़ कर चुके हो वो आपको जो यहाँ पर शो करता है डैशबोर्ड में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया, बहुत जल्दी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, फ़ोन आपका स्विच ऑफ होता है हो जाता है और आप काफ़ी समय तक फ़ोन को यूज नहीं कर पाते हैं, स्पेशली इंटरनेट यूज़ करते वक्त? तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बैटरी बैकअप क्यों इतना डाउन हो गया है और आपका स्मार्टफोन काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाता है और बार बार आपको चार्जिंग प्रॉब्लम की दिक्कत होने लगी, बार बार चार्जिंग पर लगाना पड़ता है आपके स्मार्टफोन को। तो किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी बैकअप है कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन का बैटरी का जो डाउन हो जाना बहुत जल्दी हो जाता है, किस तरीके से आप उसको सही से इंक्रेस कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं आपको हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे, और फ़ोन की स्क्रीन पे मैं बताऊंगा आपको वो ट्रिक। क्या करेंगे, आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आ जाइए, स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आने के बाद में हम क्या करेंगे कि आप जितनी भी ये जो वाईफाई वगैरह जो भी चीज़ें आप ऑन करके रखते हो, ब्लूटूथ वगैरह, लोकेशन वगैरह, ठीक है, इन चीज़ों को पहले तो आपको ऑफ रखना पड़ेगा। ऑफ रखने के साथ में इनको सबको ऑफ कर दीजिए, ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह इसको ऑफ कर देंगे, और जो फ्लैश लाइट वगैरह जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले तो आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, इसको ऑफ रखना। अगर कभी कभी आप शेयर वगैरह यूज करते हैं या वाईफाई यूज़ करते हैं उसके बाद में उसको ऑफ कर देना होता है, भूल जाते हैं तो बैटरी है उसमें ये वो चलती रहती है बैकग्राउंड में। बाद में हम क्या करेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ में भी पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि क्रोम ब्राउज़र पे जो आल जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं बैकग्राउंड में जो चलते रहती है एप्लीकेशन, उनको भी आपको ऑफ रखना पड़ेगा, ठीक है। जो बैकग्राउंड चलता रहता है उसको आप ऑफ कर देंगे तो बैटरी बैकअप आपका नहीं हो, जब भी आप इसको यूज करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, क्रोम ब्राउज़र कोई भी चीज़, तभी ये चलेगी, तभी बैटरी यूज़ होगी, वरना बैटरी आपकी यूज़ नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सबको आपको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ कर देने के बाद में हम इसको बैक आएंगे, बैक आ जाने के बाद में हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद में हम क्या करेंगे, बैटरी जो होता है उसको ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी डाटा बंद नहीं करते हैं और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बैकग्राउंड में चलता रहता है। अब हम वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन का जो नाम है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उसका जो नाम है एम्पियर ऐप। एम्पियर ऐप जो होता है बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए, कहाँ का बैटरी कौन कौन सी एप्लीकेशन की वजह से डाउन हो रही है, बैटरी बैकअप बहुत ही स्लो हो गया है, डाउन हो गया है, यहाँ से आप पता कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एम्पियर का जो नाम है इसको आप देख लीजिए, मैंने लिंक पे भेज दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, 30% हो गया है। इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी इंस्टॉल हो रहा है, 87% हो गया है, 100% हो चुका है, इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद में गैस हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर लेंगे। जब इसको हम ओपन कर लेंगे गैस, तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके लोगों के सामने नज़र आएगा। देखिए यस एंड एग्री पर क्लिक कर देंगे, ग्रेट आ गया, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में ये इसको हम अलाउ कर देंगे जो चीज़ें मांग रहा है। ओके कर देने के बाद देखिए मेरी बैटरी भी चार्जिंग पे लगी हुई है तो ये शो कर रहा है चार्जिंग एसी चार्जर, ठीक है गुड। लिखा रहा है कौन सी कंपनी का है, सब चीज़ें शो कर रही हैं, कितना वोल्ट दे रहा है मेरा माइक्रो जो मेरा चार्जर है फ़ोन का। इसको हम चार्जिंग को हटा देंगे, चार्जिंग को हटा देने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, डिस्चार्जिंग स्टेटस आ गया है, ऑन बैटरी हो गया, प्लग लेवल इतना हो गया, हेल्थ गुड। ये बैटरी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बैटरी किस प्रकार से काम करेगी, बैटरी में कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ इसमें शो कर जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे 94% है ये बैटरी परसेंटेज, आप कितना आप यूज़ कर चुके हो वो आपको जो यहाँ पर शो करता है डैशबोर्ड में वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, कितना वोल्ट है, क्या क्या है, मैन्युफैक्चर कौन सा वीवो का है, ये सारी चीज़ें आएंगी। वर्ड यू लाइक टू डिस्प्ले एड्स, इसको हम ओके कर देंगे तो ऐड नहीं आएगा, इस एप्लीकेशन में एड्स आने लगते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड आने के बाद इसको हमको बैक कर देना, हमको बाय नहीं करना है इसको। तो बैक कर देने के बाद में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में बहुत सी चीज़ें मिलेंगे। देखिए मिनिमम है, मैक्स है, कितना आप ये बैटरी यूज़ कर रही चीज़ों को, कितना डाउन है, ये अप डाउन भी इसमें शो करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसमें सेटिंग में जाएंगे, प्लस माइनस भी शो कर रहा है, ठीक है। प्लस माइनस भी आप देख सकते हो, प्लस माइनस क्या होता है कि बैटरी कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। उसके बाद में हम सेटिंग में जाने के बाद में बैशिंग इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे सब चीज़ें शो कर रही हैं, मेसरेजिंग चार्जिंग, और ये आपका स्टेटस पूरा शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फुल अपना जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो यहाँ से आप शो कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद में प्राइवेसी सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी आप एग्री कर दिए डाटा प्रोटेक्शन कॉन्सेंट्रेट पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही, तो बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद में इसको फिर हम बैक कर देंगे क्योंकि हमको नहीं चाहिए। सेटिंग में जाने के बाद में बेसिक सेटिंग में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इग्नोर बैटरी हेल्थ और टेम्परेचर क्या है, इनेबल रीसेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें इसमें आपको शो कर जाएंगी कि बैटरी का क्या क्या इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मतलब किस तरीके से ये बैटरी आपके स्मार्टफोन में यूज़ हो रही है, कितनी डाउन हो चुकी है, क्या इसका सिस्टम रह गया है, कितना काम करेगी कि नहीं काम करेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें शो कर सकते हैं। अलर्ट में जब जाएंगे तो बैटरी फुल अलर्ट आप दिखा देते हैं, ट्राई बैटरी फुल अलर्ट, इसको आप ओपन कर लेंगे तो मतलब इसकी ऑन कर लेंगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी नोटिफिकेशन है बैटरी से रिलेटेड वो इसमें शो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। पावर कनेक्टेड मैंने कर दिया है, देखिए फ़ोन इस तरीके से मेरा चार्ज होने लगा है। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कहाँ कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहा है बैटरी को, और जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा नहीं चल पा रही है और आपकी बैटरी डाउन हो जा रही है। तो उस तरीके से आप अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं और उसका बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अगर नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियो समझ में नहीं आई है मेरी कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं अपनी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।